हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यहाँ हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कि चार्जेस अपनी जगह रेस्ट में है, चार्जेस आर नॉट इन मोशन। तो जब कोई स्टैटिक चार्ज होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वहाँ से क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनते हैं, और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनके डेरिवेशंस हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। और लेट अस स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ सबसे पहले बात होगी चार्जेस के बारे में। चार्ज को सबसे पहले डिस्कवर किया था प्रोफेसर थेल्स ने। प्रोफेसर यूनानी फिलोसोफर थे थेल्स, जिन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जब कुछ बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तब उनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल्स को या पीसेस को या ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के क्लोथ के साथ रब करके देखा, ग्लास की रॉड सिल्क के क्लोथ के साथ रब करके देखा, तो ग्लास रॉड के अंदर छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई थी। ऐसे ही सिल्क क्लोथ के अंदर भी छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज आ गई थी। तो उस स्टेट में ये कहा गया कि ग्लास रॉड चार्ज हो गई है और सिल्क क्लोथ भी चार्ज हो गया है। इसी तरह से और बहुत सारे मटेरियल्स उन्होंने लिए, जैसे एबोनाइट रॉड को कैट स्किन के साथ या फर के साथ रब किया था। फर होता है नॉर्मली, जैसे हमारा वुलन क्लोथ्स के फर होते हैं उस तरह का, और कैट स्किन जो कि फर वाली होती है, इनको आपस में रब किया तो उन्होंने देखा कि ये भी वैसी ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जैसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करने पर बिहेवियर होता है। ग्लास रॉड एंड सिल्क, इनको आपस में रब किया, ऐसे ऐसे करके रब करते हैं। आप अगर कॉम्ब ले लेंगे और अपने ड्राई हेयर से इस तरह से रब करेंगे, फिर उस कॉम्ब के पास में आप, ये कॉम्ब है, आपने इसको पहले ड्राई हेयर से रब कर लिया, इसके पास छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर लेकर आएंगे, तो वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, वो इससे चिपक जाएंगे जा करके। तो ये कहते हैं कि जब हमने रब किया इसको, अपने हेयर से रब किया, तो जो कॉम्ब है वो चार्ज हो गया था, और इस स्टेट में ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है, और यहीं से शुरुआत होती है चार्जेस की। तो चार्जेस की डिस्कवरी इस तरह से, कुछ मटेरियल्स को आपस में रब करके जब देखा तो वहाँ हमें समझ में आया कि बॉडीज़ फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस को एक्वायर कर लेती हैं, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडीज़ कहलाती हैं। और इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कहा गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक टर्म आएगा यहाँ पर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक वर्ड है ये बताता है कि जो चार्ज है वो रेस्ट में है, चार्ज इज एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। जैसे आप इस कॉम्ब को देखें, मान लीजिएगा कि ये कॉम्ब है, अगर आपने इसको ब्लैक वाले टर्मिनल से इधर से रब किया है तो यही वाला टर्मिनल पीसेस को अट्रैक्ट करता है, इधर वाला टर्मिनल अट्रैक्ट नहीं करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस तरफ से आपने रब किया है वो वाला टर्मिनल चार्ज हो गया है, और सिर्फ चार्ज यहीं पर प्रेजेंट है, वो चार्ज चलकर कहीं नहीं जा रहा है। तो कंडक्टिविटी नहीं है, चार्ज मोशन में नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चार्ज भी स्टैटिक चार्ज है। इस इलेक्ट्रिसिटी को, ये जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी चार्जेस की वजह से, उन्हें हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह के ग्लास रॉड और सिल्क का कॉम्बिनेशन था, एबोनाइट रॉड का, एबोनाइट या प्लास्टिक आप ले सकते हो, एबोनाइट की रॉड को रब किया गया था कैट स्किन के साथ या फर के साथ, और ऐसे कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब किया गया था, तब ये पता चला कि कुछ चार्ज जैसी भी एक नई क्वांटिटी नेचर में प्रेजेंट होती है। इसके बाद उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने ग्लास रॉड को इनके साथ रब किया, फिर इनको नेचर पता लगाने के लिए ये देखा कि अगर हम ग्लास रॉड को, ये ग्लास की रॉड है, इसको सिल्क क्लोथ के साथ रब करके ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ये ग्लास की बनी है, एक और ग्लास रॉड इसके पास में लेकर आएंगे, एक और ग्लास की बनी हुई रॉड इसके पास में लेकर आएंगे, तो ये एक दूसरे से दूर भाग जाती हैं,
ये ग्लास की रॉड है, ये भी ग्लास की रॉड है, सेम मेथड से चार्ज इसको किया गया है, सेम मेथड से इसको चार्ज किया गया है। इसका मीनिंग ये हुआ दोनों पर सेम टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं और सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे से रिपेल करते हैं, रिपल्शन हो रहा है। ये कंफर्म करने के लिए फिर एबोनाइट की रॉड को, ग्लास को हटा दिया और यहाँ पर एबोनाइट की रॉड को लेंगे, इसको फर के साथ रब करके यहाँ सस्पेंड कर देंगे, एक और एबोनाइट की रॉड इसके पास में ले आएंगे। तो एबोनाइट की रॉड को रिपेल करती है। इसका मीनिंग इस पर जो चार्ज होगा और इस पर जो चार्ज होगा बिल्कुल एक जैसे चार्जेस होंगे, क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम तरह से चार्ज किया गया है, तो सेम चार्जेस होंगे। तो ये दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल। फिर तीसरा एक इवेंट किया गया, एबोनाइट रॉड को सस्पेंड करके ग्लास की रॉड को वहाँ से रब करके ले आए सिल्क क्लॉथ के साथ, तब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। इन एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से ये भी पता चला कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक वो जो ग्लास रॉड पर आया था और दूसरा जो एबोनाइट की रॉड पर आया था। अगर ये दोनों सेम टाइप के होते, जैसा ग्लास और ग्लास की रॉड का बिहेवियर था, रिपेल कर रहे थे, एबोनाइट और एबोनाइट की रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, तो एबोनाइट और ग्लास की रॉड पर भी अगर सेम टाइप का चार्ज होता तब ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करते, लेकिन ये रिपेल नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसा चार्ज इस पर है वैसा इस पर नहीं है, सेम वाले तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इस ये एबोनाइट और ग्लास अलग मटेरियल है, इसका मतलब इनके चार्जेस भी अलग ज़रूर रहे होंगे। और ऐसा सिर्फ इन दोनों मटेरियल्स में लेकर के नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारे मटेरियल्स को लेकर के सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनसे ये कन्फर्म पता चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक जो ग्लास रॉड पर आता है और दूसरा जैसा एबोनाइट रॉड पर आता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक जो सिल्क के क्लॉथ पर आ जाता है और दूसरा जो फर पर आ जाता है। तो ये अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं, अलग तरह के चार्जेस हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। और फिर इन्होंने नाम रख दिया उनका, एक को पॉजिटिव कह देंगे और दूसरे को कह देंगे नेगेटिव। तो इस तरह से पता चला कि दो तरह के चार्जेस हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव लाइक चार्जेस हो गए, उनको पास पास लाएंगे तो रिपेल करते हैं, क्योंकि ग्लास रॉड और ग्लास रॉड रिपेल कर रही हैं। नेगेटिव और नेगेटिव, जैसे एबोनाइट और एबोनाइट के रॉड को लेकर आएंगे, वो भी रिपेल कर रही हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेकर आते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेकर आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज चार्जेस के बारे में हमें पता चली यहाँ से। इस तरह से इन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से ये क्लियर हुआ कि चार्जेस की डिस्कवरी कैसे हुई और चार्जेस कितने तरह के होते हैं और उनका नेचर क्या होता है। इसके बाद एक डिवाइस बनाई गई जिसके हेल्प से हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा चार्ज किस तरह का है। और उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है दो बातें बताने में। पहली बात, नेचर ऑफ चार्ज पता लगाने में, और दूसरी बात, इफ़ द बॉडी इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, ये पता लगाने में आप इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप नॉर्मली हम दो तरह की पढ़ते हैं, एक पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप होती है और एक होती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ज़्यादा एक्यूरेट होती है और ज़्यादा उसके यूजेस भी होते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा है इसी वजह से। तो उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप किस तरह का होता है। एक ग्लास का वेसल होगा, यहाँ पर एक ओपनिंग से एक कंडक्टर होगा वायर, और यहाँ पर ये होंगी हमारे पास टू लीव्स ऑफ गोल्ड,
गोल्ड की लीव्स हैं ये, जी ओ एल डी गोल्ड। यहाँ पर एक ऐसे ये डिस्क होगी, ब्रास की बनी हुई होगी, ये भी मेटल ही होना चाहिए क्योंकि कंडक्टर है, ये कंडक्ट करना है इसको। तो नॉर्मल स्टेट में इस तरह का हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिखता है, जिसमें ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये गोल्ड की बनी हुई टू लीव्स होती हैं। अभी पहले तो ये इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो ये लीव्स इस तरह से एक दूसरे से, मतलब ये नॉर्मल स्टेट में रहती हैं, ग्रेविटेशन की वजह से ऐसे लटकी रहती हैं। फिर हम क्या करेंगे, जब आप को ये चेक करना है कि कोई रॉड, जैसे अभी हम ग्लास रॉड ले लेते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करके और इससे टच कर देंगे, वो चार्ज हो जाएगी। जैसे ही वो ग्लास रॉड आप यहाँ से टच करोगे, ग्लास की बनी हुई रॉड, उसका चार्ज, क्योंकि ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर है, तो वो चार्ज इसके साथ शेयर हो जाएगा और चार्ज यहाँ से लीव्स पर पहुँच जाएगा और लीव्स हो जाएंगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, तो लीव्स का जो स्ट्रक्चर होगा ये बदल करके ऐसे हो जाएगा, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो जैसे ही आपने ग्लास रॉड को टच किया, चार्ज्ड वाली ग्लास रॉड को, तो लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगी, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो मटीरियल आपने यहाँ पर टच किया है वो चार्ज था या अनचार्ज था। तो ये पहला इसका यूज़ हो गया, किसी भी मटीरियल को टेस्ट करना है कि वो मटीरियल चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका और दूसरा यूज़ इसका समझ लेंगे, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तब भी यहाँ पर दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते, तब भी रिपल्शन ही होता। सो देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट कि किस तरह का चार्ज है, वो दोनों केसेस में रिपल्शन शो करेगा और उससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोस जो मटेरियल है वो चार्ज है या नहीं है। अब मान लीजिए पहले आपको नेचर का पता करना है कि इस मटेरियल के ऊपर किस तरह का चार्ज है। आप क्या करेंगे, आपके पास ओरिजिनल, आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रोस्कोप होगा जो कि नॉर्मल स्टेट में ऐसा रहेगा। फिर आपको क्या करना है, आप अपनी तरफ से एक ग्लास रॉड या कोई ऐसा मटेरियल ले आइए जिसका चार्ज आपको पता हो, ये आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ग्लास रॉड का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो आपने ग्लास रॉड को इससे टच कर दिया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया और ये दोनों लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक दूसरे से रिपेल हो गए। जब ये रिपेल हो गए हैं तो लीव्स इस स्टेट में आ जाएंगी पॉजिटिव और पॉजिटिव की वजह से, फिर आप इसको हटा लीजिएगा। सो नाउ योर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज्ड, इसकी लीव्स चार्ज हो गई हैं और ये इस तरह से एक दूसरे से डाइवर्जेंस शो कर रही होंगी, दे आर डाइवर्ज्ड फ्रॉम ईच अदर। अभी आपको क्या करना है, दूसरी रॉड ले आइए जिसको टेस्ट करना है कि उसका नेचर कैसा है। एज्यूम करिए कि वो एबोनाइट रॉड है और हमें पता नहीं है कि उसके ऊपर किस तरह का चार्ज है। तो जो भी मटेरियल आपने यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से शेयर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव कम हो जाएंगे तो रिपल्शन भी कम हो जाएगा और फिर ये लीव्स एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स पास पास आ जाती हैं टच करने के बाद, तो आप ये कहेंगे कि ये वाला बॉडी, ये जो मटेरियल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो इलेक्ट्रोस्कोप का अपोजिट चार्ज रखता है, इस तरह से पता चल जाएगा। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव ही चार्ज होता, जैसा कि पहले इस पर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव करके और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और डाइवर्जेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डाइवर्जेंस का इंक्रीज होना इस बात का सिंबल है कि इसका चार्ज और इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज एक जैसा था और इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज हमें पता होगा। तो हम ये पता लगा सकते हैं, डाइवर्जेंस बढ़ने पर सेम चार्ज है, डाइवर्जेंस कम होने पर अपोजिट चार्ज है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं चार्जेस का पता लगाने के लिए कि वो किस तरह के चार्जेस हैं। सो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द चार्जेस। अब इसके बाद एक टर्म आता है, देखिए यहाँ तक जब डिस्कशन हुआ
तब उसमें ये पता नहीं था कि चार्जेस एक्वायर कैसे हो रहे हैं, किस तरह से चार्जेस एक्वायर हो रहे हैं, कि ये ग्लास रॉड को रब कर दिया है तब ग्लास रॉड पर चार्ज आएगा, तो किस प्रोसेस के थ्रू आएगा, क्या कंसेप्ट है। तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन से बताया गया। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट्स एटम से मिलकर के बने होते हैं और एटम का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जिसमें से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह चले जाएगा तो उसके अंदर से नेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव तो चला गया है, और नेगेटिविटी कम हो जाएगी तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसने तो नेगेटिव चार्ज को गेन कर लिया, नेगेटिविटी को गेन कर लिया तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है और इस थ्योरी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इससे हमें ये पता चल गया कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ जाएगा। और पूरा कंटेंट देखने के लिए, पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कंटिन्यूसली सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस न्यूमेरिकल्स के साथ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, और जो भी आपके डाउट्स आएँ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको पूरा सिलेबस एज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल कराएंगे। देखिए, एटम में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 11Na23, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 10, प्रोटॉन हो जाएंगे 11, वो तो 11 ही है पहले से। अब जो 10 यूनिट का नेगेटिव चार्ज था, माइनस का 11 सॉरी जो था पहले, और ये वाला प्लस का 11, तो माइनस 11 प्लस 11 मिल करके एटम को न्यूट्रल बना रहे थे, लेकिन अब तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसमें रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, उनका चार्ज होगा माइनस का 10 यूनिट, और प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस 11, तो प्लस 11 माइनस 10 प्लस 1 बच जाएगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और वहाँ से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये था कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ द मटीरियल्स एक्वायर द चार्जेस। इस तरह से हमें ये पूरी प्रोसेस पता चली और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। नाउ इसके बाद हम चलेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पर। तो ऐसे मटेरियल्स, ये सभी सारे बच्चे जानते हैं इसको, कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को अलाउ कर देते हैं अपने अंदर से फ्लो कराने में, और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं which do not allow the current to flow through them. Conductors में metals are the most common examples. कोई भी metal आप ले सकते हैं, हम aluminium के wire use करते हैं, copper के wire use करते हैं, gold के तो हम use कर नहीं सकते, महंगा होता है, otherwise हम कर लेते, और silver के wire भी हम use कर सकते थे लेकिन expensive होने की वजह से use नहीं करते हैं। सो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, ह्यूमन बॉडी भी गुड कंडक्टर होती है, हमारी बॉडी में से भी करंट फ्लो कर जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स,
और एक आता है इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। प्योर वाटर तो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली होंगी, जैसे हमारे घर का वाटर होता है टैप वाटर, उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, कुछ सॉल्ट्स रहते हैं जिनकी वजह से वो कंडक्टिंग हो जाता है। सो कंडक्टर्स आर दोज मटीरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली, जिनके अंदर से करंट आसानी से पास हो जाए, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स जिनमें से करंट पास नहीं होता है, जैसे कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक, माइका एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम आगे चल करके ये भी पढ़ेंगे कि एक और क्लासिफिकेशन होता है जिनको कहते हैं सेमी कंडक्टर्स, तो उनको बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा काम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से चल जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज, हमने ये सीख लिया कि चार्जेस डिस्कवर कैसे हुए, कितने तरह के चार्जेस होते हैं, उनका फीचर क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या होता है, कि वो एक दूसरे को रिपेल कब करेंगे, अट्रैक्ट कब करेंगे, फिर हम उनका पता कैसे लगाएंगे, ये भी हमने सीख लिया। और ये क्या थ्योरी होती है, किसके बेसिस पर ये ट्रांसफ़र होता है, कैसे मटेरियल्स चार्ज कैसे एक्वायर करते हैं, ये भी हमने सीख लिया। उसके बेसिस पर हमने ये सीख लिया कि मटेरियल्स होते कितने तरह के हैं, तो सिस्टमेटिकली हम सारी चीज़ों तक पहुँच रहे हैं। अब आ जाएगा चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने के हमारे पास दो मेथड होंगे, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, एक को आप कहते हैं इंडक्शन मेथड और एक को हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड, दो तरह से बॉडीज़ को चार्ज किया जा सकता है। देखिए बहुत सिंपल शॉर्ट में आप समझ जाएंगे, कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट में, कांटेक्ट में आना पड़ेगा बॉडीज़ को, जिनके बीच में ट्रांसफ़र करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उनको आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। और ये जो है वो नॉन कांटेक्ट वाला प्रोसेस है, इसमें दूर से ही चार्जेस एक्वायर हो जाते हैं बिना कांटेक्ट में आए, इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं। अभी आप समझिएगा, जैसे एक कंडक्टर है जो कि इसका नेम है ए और पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये, इसके पास में आपने एक दूसरा कंडक्टर ला करके रख दिया बी नाम का, तो यहाँ पर ए का जो स्ट्रक्चर है, ए का जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अभी क्या होता है, जैसे ही ये कंडक्टर इसके पास में आता है, ये ऑब्जेक्ट इसके सामने आपने ला करके रख दिया, तब इसके जो पास वाला सामने वाला क्लोज वाला फेस है वहाँ पर अपोजिट चार्ज, और जो इससे दूर वाला फेस है वहाँ पर सेम चार्ज, जैसा इस पर था उसका अपोजिट चार्ज पास वाले एंड पर, और जो इस पर चार्ज था वैसा ही चार्ज दूर वाले एंड पर एक्वायर हो जाता है। इस तरह से ये बॉडी बी ए की वजह से चार्ज हो गई है बिना ए के कांटेक्ट में आए, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग डिफरेंट बॉडीज। ये आपको देखने को मिलेगा इंसुलेटर्स में, जैसे ग्लास रॉड में ड्राई कॉम्ब को जब हमने ड्राई हेयर से रब किया था वहां पर ये वाला मेथड हो जाएगा। यहां पर कांटेक्ट में आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और खास बात, ये होता है टेम्परेरी, इट इज नॉट परमानेंट, दिस चार्ज एक्वायर्ड बाय दिस मेथड इज टेम्परेरी इन नेचर। अगर आपने ये वाला चार्ज हटा दिया, ये वाला एक ब्लॉक को हटा दिया, तब इसका सारा चार्ज गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है, अगर आपने कभी देखा हो कि आपका कोई पर्सन, जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ में चार बंदे साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहता है, क्योंकि आपके साथ में कोई चल रहा है, सपोर्टर्स हैं आपके पास जो आपको बचा लेंगे कहीं पर भी। अगर वो गायब हो जाए पीछे से, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही लूज हो जाएगा। ऐसे ही बी का चार्ज तब तक चार्ज रहता है, बी ऑब्जेक्ट तभी तक चार्ज रहता है जब तक इसके सामने ए बैठा हुआ है, जब तक ए इसके सामने रखा हुआ है, बैठा हुआ है। ए चला जाएगा यहाँ से उठकर, तो बी का चार्ज अपने आप ज़ीरो हो जाएगा, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर से भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि ये इंड्यूस हुआ है, दिस प्रोसेस इज इंडक्शन, हम कहते हैं दीज चार्जेस आर इंड्यूस्ड। अब इसका प्रोसेस समझिए कैसे हुआ है ये, तो
जो चार बॉडी ए है उसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने का मीनिंग होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए पर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है, तो जैसे ही बी इसके पास में आता है तो बी के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप, क्योंकि नेचर नेचर चाहता है सिमेट्री, नेचर चाहता है इक्विलिब्रियम हो पूरी दुनिया में, सब जगह इक्विलिब्रियम हो, तो नेचर बी का नेचर क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर को भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि बेचारा ये सामने बैठा हुआ है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है, तो चलो चलकर इसकी कमी पूरी कर देते हैं। ऐसे बी के इलेक्ट्रॉन सोचेंगे और बी के इलेक्ट्रॉन सारे इसके अंदर से, अंदर तो हर एक बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं कांस्टेंट रहते हैं, मतलब सेम फिक्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन इसके सामने आने पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को भाग जाएंगे और इधर को कलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिवली चार्ज दिखेगा, और जब सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो अपने आप ही ऐसा लगेगा कि इधर पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। जब बहुत सारे लोग, अच्छे और बुरे लोग मिले हुए हैं और बुरे लोग सारे एक तरफ चले जाएं तो दूसरी तरफ अपने आप ही अच्छे लोग बचेंगे, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है यहाँ पर, सारा नेगेटिव चार्ज जब इधर पहुँच गया तो अपने आप इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। तो इस तरह से ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब आप इसको यहाँ से हटा लेंगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनका अट्रैक्शन जो ए की तरफ हो रहा था वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर के ये नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा और फिर बी हो जाएगा अनचार्ज्ड। अभी भी नेट चार्ज बी के ऊपर ज़ीरो ही है, पहले भी ज़ीरो था, बाद में भी ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन एक तरफ टर्मिनल्स बन जाते हैं इसमें। दूसरा देखिए कंडक्शन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है ए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके पास, अब आपको क्या करना है, दूसरा बी को चार्ज करना है, आपको बी के ऊपर चार्ज लेकर आना है, तो आप बी को इसके कांटेक्ट में ले आएंगे यहां और इसे टच करके रख देंगे। जैसे ही टच करके रखेंगे तो इसके ऊपर जितना चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये दोनों शेयर कर लेंगे, दोनों मिलकर के शेयर कर लेंगे और कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। टोटल चार्ज पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, लेकिन पहले ए अकेले पर था, बाद में ए और बी दोनों पर मिला करके उतना ही चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये बॉडी बी इसके कांटेक्ट में आ गया है तो कांटेक्ट में आने पर चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो करके शेयर कर लेते हैं दोनों, और पूरी सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा पहले के जितना। सो दिस मेथड इज़ द कंडक्शन मेथड, और इसमें वैसा ही चार्ज आएगा जैसा ए के ऊपर था, अगर ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो बी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ए चार्ज था और बी ने आके उससे हाथ मिला लिया तो दोनों में चार्ज इसका ट्रांसफ़र हो गया और दोनों मिलकर के सेम चार्ज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर हैविंग द मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन, दीज आर द टू मेथड्स। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो चार्ज एक नेचुरल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको डिस्कवर किया गया है, इसको बनाया नहीं जा सकता, ये तो पहले से ही प्रेजेंट होता है सिस्टम के अंदर, नेचर के अंदर होता ही है। तो जो भी टोटल चार्ज रहता है या हर एक बॉडी के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते ही हैं। तो चार्ज के नॉर्मली जो डिफिनेशन बनती है वो बनती है चार्ज क्यू इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप करंट कहते हैं, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर 1 सेकंड में 1 यूनिट का चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट 1 एम्पियर होता है, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, फंडामेंटल
और चार्ज के लिए कूलम होता है, टाइम के लिए सेकेंड्स होता है। तो 1 एम्पियर करंट इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज बाय 1 सेकेंड। और अगर आपको चार्ज चाहिए तो आप 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड कर सकते हैं। किसी वायर में या किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास होता है तो हम ये कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज उसमें से पास हो रहा है। इस तरह से चार्ज की डेफिनेशन बना लेते हैं। सिंबल की हम बात करें तो करंट के लिए सिंबल होता है आई, चार्ज के लिए होता है क्यू और टाइम के लिए होता है टी। सो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी या फिर क्यू इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है हमें। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा वो यहीं से डेवलप होगा और इसके बाद हम टॉपिक आता है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पर आएगी, क्योंकि कूलम्स लॉ ऑलरेडी हमने बना के दे रखा है। तो चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज एलिमेंट्री चार्ज, सबसे कम जो चार्ज होता है, सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जब एटम्स की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं और सबसे छोटे जो पार्टिकल्स हैं नेचर में वो यही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बाद में हालांकि अभी 1990s में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का भी हमें और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चल गए हैं जो क्वार्क्स होते हैं, लेकिन एटॉमिक लेवल पर, हमारी स्टडी के लेवल पर हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही हम स्टडी करेंगे अभी। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब इससे को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं अपने बेसिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अभी जहाँ तक हमें पढ़ना है। सो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। Q चार्ज होता है, 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में मूव कर जाए तो हम कहते हैं कि करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर और द वायर इज 1 एम्पियर। अब ये चार्ज फ्लो कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ये कहता है कि चार्ज एक टर्मिनल से, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बाउंड रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में बाउंड रहते हैं। बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं घूमने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। इसीलिए जब भी हम कंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जब जाएंगे यहाँ से वहाँ तो कितना चार्ज लेकर के जाएंगे, उसके लिए हमारे पास आता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला गया है तब, 1 इलेक्ट्रॉन के जाने पर। और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसको उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी बॉडी में, अगर कोई कह दे कि कुछ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम लिख कर आ जाएं ऐसे Na+,
कहीं लिख दें सी एल माइनस, माइनस वन का मतलब हो गया माइनस वन मीन्स वन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो कितना इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज इसने गेन कर लिया है, इतना नेगेटिव चार्ज सोडियम ने वन इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज डोनेट कर दिया है, किसी को दे दिया है अपने अंदर से। इस तरह से चार्जेस के बारे में बात हो जाती है। सो अगर हम यहाँ पर सिर्फ टोटल चार्ज की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस प्रोसेस में, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वन इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतने कूलम का चार्ज जाएगा। कोई कहते 10 कूलम चार्ज चला गया, 10 कूलम का चार्ज ट्रांसफ़र हो गया है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो 1 कूलम का चार्ज होता है तो वन इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 10 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। सीधे यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला लगता है और वो फॉर्मूला आ जाता है क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। क्यू मीन्स टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द टोटल चार्ज क्यू। क्यू की वैल्यू मिल जाती है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करके बाय द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप यहां सीखेंगे थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र हो सकता है। आपने कहा 2 कूलम का चार्ज किसी को दे दो, तो 2 कूलम का चार्ज देने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देने पड़ेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे यहाँ से। 10 कूलम का चार्ज दे दो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आप ऐसे मान लीजिए कि जो इतना चार्ज है, इतना जो चार्ज है ये 1 पैकेट हो गया, 1 पैकेट में बंद कर दिया। अब किसी ने कहा हमें 10 कूलम चार्ज चाहिए, तो आप इतने पैकेट्स काउंट करोगे, 1 पैकेट में इतना चार्ज आता है, फिर कितने पैकेट देने पड़ेंगे हमें उनके लिए जिससे कि 10 कूलम चार्ज टोटल पहुँच जाए इनके पास। इस प्रोसेस को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द चार्ज, क्योंकि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे और कुछ नहीं जा सकता, और इलेक्ट्रॉन्स आधे नहीं जा सकते कि हाफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3/4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 1/4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स या 5 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर नंबर में ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो उसके ऊपर चार्ज होता है 1e का, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो n इंटू ई। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके पहुंचता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम इसीलिए लिख देते हैं q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई, आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज आएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके। कितने इलेक्ट्रॉन्स, n इज एन इंटीजर वैल्यू, इंटीजर होगा ये सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 1 कूलम का चार्ज कहीं ट्रांसफर करना है, q की वैल्यू 1 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भेजने पड़ेंगे वहां पर, n इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹, सो n इज इक्वल्स टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 6.25 × 10⁻¹⁸। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब चले जाएंगे तब वो मिलकर के कितना चार्ज बना लेंगे, 1 कूलम। तो अगर किसी बॉडी में 1 कूलम का चार्ज चला गया है, इसका मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए हैं। आई होप आप समझ जाएंगे इसको, कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा।
सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे, मास और एनर्जी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व होता है इस यूनिवर्स में। द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इज फिक्स्ड, कॉन्स्टेंट, कंजर्व्ड। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। तो जो चार्ज है आप नहीं उसे जनरेट कर सकते, हम उसे जनरेट नहीं कर सकते, और हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम ख़त्म भी नहीं कर सकते कि चार्ज कहाँ मार दिया जाए, हटा दिया जाए, क्या कर सकते हैं। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी फिर से बात करेंगे, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब किया गया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब किया गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इसमें चले गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव इसके ऊपर भी आएगा। तो नॉर्मल स्टेट में पहले ये दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था इस पूरे सिस्टम का। और बाद में मान लीजिए कि यहाँ से प्लस, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, 10, तो उनका जो चार्ज हो जाएगा प्लस 10 ई आ जाएगा। सिल्क क्लोथ ने 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस 10 ई। तो प्लस के 10 ई माइनस के 10 ई मिल करके फिर से हो जाएंगे जीरो। तो प्रोसेस ट्रांसफ़र, इनको रब करने से पहले भी चार्ज, टोटल चार्ज जीरो था, और रब करने के बाद भी टोटल चार्ज जीरो है। इससे ये पता चलता है कि चार्ज कंजर्व ही है, ये ना तो गायब हुआ है ना ही नया क्रिएट हुआ है। दिस इज द कंजर्वेशन। एक और एग्जांपल समझ लेंगे हम। एक होता है पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना। जब कोई गामा रे फोटोन, गामा रेज होती हैं फोटोन, लाइट की रेज, जब ये किसी मेटल के सरफेस पर पड़ती हैं, मेटल के सरफेस पर, जैसे यहाँ पर ये मान लो ये एल्यूमिनियम का बना होगा और लाइट आकर के इसके ऊपर पड़ जाएगी, तो वो इसके न्यूक्लियस तक पहुँच जाएगी। तो वहाँ न्यूक्लियस से दो नए पार्टिकल्स एमिट होते हैं, एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन और एक का नाम होता है पॉजिट्रॉन। दोनों जुड़वा भाई की तरह आप मान सकते हो। ये है नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिट्रॉन, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, दोनों के मास सेम है, दोनों पर चार्जेस भी सेम है, सिर्फ नेचर अलग है। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है सेम वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज, सेम वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज है पॉजिट्रॉन के ऊपर। तो टोटल चार्ज अगर कहें, बाद में जो प्रोडक्ट बनकर आया है इस पर टोटल चार्ज जीरो टोटल। और गामा रेज, ये तो रेज हैं, लाइट है, इसमें कोई चार्ज था ही नहीं, तो इस रिएक्शन से पहले का चार्ज भी जीरो, रिएक्शन के बाद का चार्ज भी जीरो। देखने में तो लग रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल बन गया, दूसरा चार्ज पार्टिकल बन गया, लेकिन ओवरऑल कोई नया चार्ज नहीं बना है। इसलिए द इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो अगेन कंजर्व्ड हेयर। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम बात करें यूरेनियम 9, यूरेनियम 238 एटॉमिक मास वाला जो होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, सो 92 यूरेनियम 238 ये ब्रेक हो जाता है 90 थोरियम 234 में, और एक अल्फा पार्टिकल इसमें से एमिट हो जाता है। ये रिएक्शन होती है, चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन है। अगर आप देखें यूरेनियम के न्यूक्लियस पर चार्ज, तो 92 प्रोटॉन्स होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज होगा प्लस का 92, न्यूक्लियर रिएक्शन है तो न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे। और यहाँ पर प्लस का 90 यूनिट का चार्ज इसके न्यूक्लियस पर है, और प्लस 2 यूनिट का चार्ज इसके न्यूक्लियस पर है, क्योंकि इसमें 90 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज हो गया 92 प्लस का, यहाँ पर भी 92, रिएक्शन से पहले भी 92, बाद में भी 92, टोटल चार्ज इज कंजर्व। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर बेसिकली ये टू प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं, और ये क्वांटाइजेशन तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप सुपर इम्पॉर्टेंट करके स्टेटमेंट याद भी कर लेंगे और इसको पढ़ भी लेंगे, लिखना भी आपको आना चाहिए।
ये क्या कहते हैं, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीजर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में, ई के मल्टीपल्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. 2.5 ऑप्शंस में ऐसे करके दे देंगे, क्यू इज इक्वल टू 2.5e, क्या ये पॉसिबल है, तो आप फॉल्स करेंगे इसे. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. क्यू 5e 6 7 8 इंटीजर होना चाहिए ई का मल्टीपल, क्योंकि इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं. दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. किसी भी प्रोसेस में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है. चार्ज कभी कम या ज़्यादा नहीं होता, क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. दिस इज द फिनोमिना. देन वी आर हैविंग द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज. इनवेरियंस, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन. इसका मीनिंग हुआ वेरी नहीं करेगा, इनवेरियंस प्रॉपर्टी. अगर चार्ज मोशन में है, स्पीड में है, तब उसका मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है. चार्ज चाहे स्टैटिक हो एस या फिर मोशन में हो, काइनेटिक हो, वो सेम ही रहेगा. जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है अभी रेस्ट में कहीं पे प्रेजेंट है, तो उसका चार्ज इतना है. अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन मोशन में हो, करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस पर जो चार्ज रहेगा वन इलेक्ट्रॉन पर, तब भी इतना ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं कितनी भी स्पीड हो जाए चाहे. सो दिस इज द इनवेरियंस प्रॉपर्टी. ये मास के अंदर नहीं होती है. अगर आपने पढ़ा है तो मास स्पीड के साथ बदल जाता है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v/c². अगर किसी बॉडी की स्पीड सी लाइट की स्पीड के इक्वल पहुंच जाती है, तो फिर मास चेंज होना शुरू हो जाता है. दिस इज वेरिएंट, मास बदल जाता है लेकिन चार्ज नहीं बदलता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर ये थ्री प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं. और यहाँ तक हम बात करेंगे तो हमारा जो पार्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, दिस इज़ बीइंग कंप्लीटेड. तो जो स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स की, वो यहाँ से बिगनिंग ऑफ द चार्जेस से लेकर चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ तक हम आ गए हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है कूलम्स लॉ, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना करके चैनल पर अवेलेबल किया हुआ है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर के मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में. टिल देन, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने पॉजिटिव कमेंट्स दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.